सर स्टार्ट करें। वेट अ मिनट। ओके सर, आज क्या पढ़ाने वाले हो? तो सर आज हमें रैप सिखाने वाले हैं शायद। ओके सर स्टार्ट करें। वेट अ मिनट। ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्प्लैश स्क्रीन के बारे में बताया था। आज हम लोग थोड़ा XML में, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि लेआउट्स होते हैं, लेआउट्स के अंदर विजेट्स होते हैं और विजेट्स के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो अभी हम क्या करने वाले हैं ना, सबसे पहले लेआउट के बारे में जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम विजेट्स के बारे में जानेंगे। आज हम लोग लेआउट के बारे में समझते हैं कितने टाइप्स के लेआउट एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में है। आप देख सकते हैं जो पहला लेआउट आपको मिलेगा वो रहेगा लीनियर लेआउट, सेकंड आपका रिलेटिव लेआउट, थर्ड आपका कंस्ट्रेंट लेआउट, फोर्थ आपका फ्रेम लेआउट, फिफ्थ आपका ग्रिड लेआउट, सिक्स्थ टेबल लेआउट और सेवन्थ आपका कोऑर्डिनेट लेआउट। अभी आप सोच रहे होंगे सर लेआउट होता क्या है। एकदम सिंपल, मैं आपको एक सिंपल सरल भाषा में बोलता हूँ। कैमरा मैन आप मुझे कुछ दे सकते हैं मेरा रिकॉर्डिंग का कुछ? ये नहीं, वो दीजिए, बॉक्स दीजिए कैमरामैन, थैंक्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये जो बॉक्स है ये मेरा रिकॉर्डिंग का बॉक्स है, तो ये बेसिकली मैं आपको एक सिंपल सरल लैंग्वेज में बोलूँ, लेआउट मतलब क्या होता है? ढांचा, किसी भी चीज़ का ढांचा। अगर आप ये बॉक्स ले लें इसका ढांचा, अगर आप ये टेबल, ये क्या बोलते हैं, टेबल नहीं बोल सकते, बॉटल ले ले तो इसका ढांचा, तो किसी भी चीज़ के ढांचे को हम लोग लेआउट बोलते हैं। अब एक बात बताइए, अगर आपको ढांचा बनाना है तो आपको क्या, अगर आपको स्क्वायर का ढांचा बनाना है तो आपको क्या चाहिए? उसका विड्थ चाहिए, उसका हाइट चाहिए, राइट? आपको टॉप का विड्थ चाहिए, बॉटम का विड्थ चाहिए, राइट और लेफ्ट का हाइट चाहिए, तो आपका ढांचा बन जाता है। अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है तो उसका ढांचा चाहिए रहेगा। उस हिसाब से अगर आप देख सकते हैं ये हमारा एक ढांचा है जहाँ पर आपको दिख रहा है, ये हमारा विड्थ है, ये हमारा हाइट है। तो लेआउट मतलब क्या होता है? ढांचा। ओके, अब हर एक फ्रेम, हर एक ढांचे को ले विथ और उसकी हाइट चाहिए रहती है। लेकिन अगर मैं आपको विथ में बोलूँ मैच पैरेंट, तो वो क्या होता है, आपका जो जितना बड़ा आपका स्क्रीन रहेगा उसके हिसाब से वो आपके चीज़ों को अडाप्ट कर लेगा। सेम चीज़ अगर आप हाइट को बोलोगे मैच पैरेंट, तो हाइट जितना आपका फ़ोन का हाइट जितना बड़ा है उतना आपका जगह ले लेगा वो। अब हम लोग ये समझते हैं कितने टाइप के लेआउट्स होते हैं। आपके मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा सबसे पहला लेआउट है लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट मतलब लीनियर लेआउट के अंदर अगर आप कोई भी विजेट्स डालेंगे वो दो तरीके से चलेगा, एक वो हॉरिजॉन्टली चलता है या फिर एक वो वर्टिकली चलता है, या फिर अलॉन्ग द रोज चलेगा या फिर अलॉन्ग द कॉलम चलेगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज करो ये बॉक्स जो है ये आपका क्या बोल सकते हैं लेआउट है, ढांचा है। अभी इसके अंदर ये विजेट्स है, ये कैमरा, ये अपना रिकॉर्डिंग जो है ट्रांसमीटर, ये आपका विजेट्स है। अगर मैं लीनियर लेआउट में बोल दिया कि मेरा जो विजेट्स है वो वर्टिकली चलेगा, तो वो क्या करेगा, हर एक विजेट, जैसे एक विजेट से वो इधर आ गया, दूसरा विजेट नीचे, तीसरा विजेट नीचे, उसी तरीके से अगर आप हॉरिजॉन्टली कर दोगे लीनियर लेआउट को, तो वो आपके विजेट्स को हॉरिजॉन्टली प्लेस कर देगा अलॉन्ग द रोज। ये तो एक सिंपल था लीनियर लेआउट का। लेकिन अगर आप दूसरा लेआउट पकड़ेंगे जिसका नाम है रिलेटिव लेआउट, रिलेटिव लेआउट में क्या होता है, हम चीज़ों को किधर भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, ये आपका ढांचा है लेआउट से, मैं इसको इधर भी प्लेस कर सकता हूँ, बोलते हैं ना टॉप राइट में भी प्लेस कर सकता हूँ, राइट बॉटम में भी प्लेस कर सकता हूँ, इधर भी सेंटर में, किधर भी मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ। यही फ़ायदा होता है रिलेटिव लेआउट में, जहाँ पर आपके विजेट्स किधर भी प्लेस हो जाएंगे बेस्ड ऑन योर लेआउट्स। नेक्स्ट आ जाता है कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, कितने भी पावरफुल यूआई, कितने भी अच्छे डिज़ाइन को हम लोग बना सकते हैं। फ्रेम लेआउट क्या हो गया, फ्रेम लेआउट मतलब जैसे आप फोटो फ्रेम आप पकड़ लो, फोटो फ्रेम में क्या रहता है, एक पूरा फ्रेम रहेगा उसके अंदर बस फोटो रहता है, उसी तरीके से फ्रेम लेआउट में पूरा एक फ्रेम बन गया, उसके अंदर एक ही चीज़ आप सिंगल आइटम आप डिस्प्ले कर सकते हैं, इसलिए हम लोग फ्रेम लेआउट लेते हैं। ग्रिड लेआउट, ग्रिड लेआउट क्या हो गया कि ढांचे 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 बनेंगे। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ चाहिए तो।
कैमरामैन आप मुझे आपका मोबाइल दे सकते हो 2 सेकंड के लिए? आपको बंद करने के देना जरूरी था? पासवर्ड भी नहीं आते, चलिए खुल गया। तो मैं आपको ग्रिड लेआउट समझाता हूँ। ग्रिड लेआउट होता क्या है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं इंस्टाग्राम पे आपको लेके चलता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो ढांचा बोलते हैं ना, एक रो में 3 कॉलम या 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड लेआउट। अभी इस टाइप का लेआउट ना आपने ऑलरेडी हर जगह पे देखा होगा, आपके फ़ोन में देखा होगा या फिर आपके कोई भी ऐप उठा लो, हर जगह पे आपका ग्रिड लेआउट दिखता ही है कि ग्रिड लेआउट होता क्या है। टेबल लेआउट क्या हुआ? टेबल लेआउट मतलब क्या हो गया, हमने रो बना लिया और हमने कॉलम बना लिया, इसको हम लोग बोलते हैं टेबल लेआउट। कोऑर्डिनेट लेआउट क्या करता है, बेसिकली ये आपके अंदर के जो व्यूज़ होते हैं ना उसको मटेरियल डिज़ाइन कंपोनेंट के साथ अडैप्ट करके आपको डिज़ाइन किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, धीरे धीरे ये सारे लेआउट्स के बारे में हम लोग ध्यान से समझेंगे और उसको करने का ट्राई करेंगे। ये था पूरा लेआउट के बारे में। अभी हम लोग इस लेआउट को यूज़ कैसे करते हैं ये मैं XML में आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। चलते हैं हम हमारे स्क्रीन की तरफ। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग हमारे स्क्रीन पे आ गए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको 1 by 1 सारे लेआउट्स के बारे में बता देता हूँ और उसको यूज़ कैसे करते हैं। आप इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे आप डाल सकते हैं आपका लीनियर लेआउट। तो यहाँ पे हमारा लीनियर लेआउट आ गया। लीनियर लेआउट के अंदर आप चाहिए तो आपके विड्थ को मैच पैरेंट और हाइट को मैच पैरेंट बोल सकते हैं। मैच पैरेंट जैसे मैंने आपको प्रीवियस टाइम भी बताया था, मैच पैरेंट मतलब आपका पूरा स्क्रीन के हिसाब से वो साइज़ ले लेता है, और रैप कंटेंट क्या होता है आपके कंटेंट के हिसाब से साइज़ ले लेता है। जैसे आप टेक्स्ट भी देख सकते हो, ये आपका कंटेंट के हिसाब से। ये हो गया एक लीनियर लेआउट। अभी मैं आपको रिलेटिव लेआउट बताना है, तो सिंपल आप जैसे बाकी सब यूज़ करते हैं वैसे ही रिलेटिव लेआउट भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा लेआउट देखना है तो आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट कंस्ट्रेंट लेआउट आपको दिख सकता है। कंस्ट्रेंट लेआउट एक, अगर आपको कोऑर्डिनेट लेआउट यूज़ करना है तो आप कोऑर्डिनेट लेआउट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेम लेआउट यूज़ करना है तो आप फ्रेम लेआउट यूज़ कर सकते हैं। जो जिस टाइप का भी आपको लेआउट यूज़ करना है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ग्रिड लेआउट यूज़ करना है तो आप यहाँ पे ग्रिड लेआउट भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रिड लेआउट। अगर आपको यहाँ पे टेबल लेआउट यूज़ करना है तो आप टेबल लेआउट यूज़ कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं आपका ग्रिड और टेबल लेआउट कैसे वर्क कर रहा है। तो सपोज करो मैं ग्रिड लेआउट ले लेता हूँ, ठीक है, फॉर अ टाइमिंग के लिए मैंने ग्रिड लेआउट ले लिया। यह हमारा पहला टेक्स्ट है, बरोबर। अगर मुझे एक और टेक्स्ट डालना है तो मैं कैसे डालूँ? तो आप इस हिसाब से टेबल लेआउट, ग्रिड लेआउट, कोऑर्डिनेट लेआउट, जो भी लेआउट आपको यूज़ करना आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और उसके अंदर आप आपके चिल्ड्रंस को या फिर आपके चिल्ड्रन नहीं सॉरी बेसिकली आपके जो विजेट्स होते हैं उसको आप प्लेस कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारे कमिंग वीडियोज़ में आपको हर एक लेआउट के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। अभी तो मैंने बस आपको लेआउट के बारे में समझाया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग विजेट्स के बारे में जानेंगे और कैसे कोई विजेट्स लीनियर लेआउट के साथ सेटअप होता है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे पहला लेआउट जो सीखेंगे वो आपका लीनियर लेआउट रहेगा। और जैसे जैसे हम लोग लेक्चर्स को प्रोसीड करते जाएंगे सारे लेआउट्स आपके कवर अप किए जाएंगे, तो आप ज़्यादा इसमें टेंशन मत लीजिएगा। ओके, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर बजा दें। जय श्री राम, श्री अकाल।